गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है डिवीजन स्टार्ट किया था और आज हम क्या करेंगे, ओरली डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, ओरली डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल की 15, जैसे फर्स्ट सम है हमारा 15 डिवाइड बाय 5, 15 को 5 से डिवाइड करो क्या आंसर आएगा, यानी कि हमें देखना है कि 5 की टेबल में 15 कहां पर आएगा। ठीक है, आप लिख के देखोगे तो कैसे, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 5 थ्री जा 15, ये देखो आपको यहां पर मिल गया 5 थ्री जा 15, यानी कि 3 आंसर। और अगर आप ओरली बिल्कुल ही बोल बोल के करोगे 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, यानी कि 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे 63 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 वन जा 9 लिखोगे, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, सो ऑन करते जाओगे, 9 7 जा 63, तो आपका क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपके ब्लैंक्स। बेटा अब देखो, मैम ने आपको पहले भी बताया था, थर्ड क्लास में बताया था कि 17 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जब किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम आता है, 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो तो आंसर हमेशा सेम आता है। 9 को किस से डिवाइड करें कि 9 आए, जब आंसर सेम आए किससे डिवाइड करोगे, 1 से। ठीक है, 0 को 8 से डिवाइड करो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, अगर 0 को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर हमेशा 0। किसको 6 से डिवाइड करोगे कि 0 आंसर आए, 0 को अभी बताया कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा 0। 32 को 32 से ही डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1। ठीक है, किसी भी नंबर को सेम नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 1। देखो अब 1 से डिवाइड करोगे 18 आंसर आएगा, सेम आंसर कब आता है, जब सेम डिजिट से को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड किया तो जो आंसर है वही सेम डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा आपका, यानी कि 18। ठीक है बेटा, तो ये ब्लैंक्स आपने करने हैं। अब आज की जो मेन चीज है वो है आपका वर्कशीट 1, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। देखो बेटा, अगर आप इसे फोबिया मानोगे तो आप डिवाइड और चेक को बिल्कुल यानी करोगे, आप इसे बिल्कुल गेम की तरह करो बेटा। जैसे फर्स्ट सम है आपका 98 डिवाइड बाय 8, ये सम है, आपको डिवाइड करना आता है बेटा, आपको बताया भी था कल परसों, 98 से डिवाइड करो, साइड में 8 की टेबल लिखो ऐसे, अब 8 से 9 को डिवाइड करो, 9 ढूंढो या 9 से बड़ा ढूंढो, 9 से बड़ा हो गया 16, बड़ा हो गया 16 तो अब वापस चलो, यानी कि एक स्टेप वापस हुए, यानी कि 8 वन जा 8 से डिवाइड हुआ, ये 9 को 8 में से 8 माइनस करो 1, अब ऊपर से ले लो 8, 18 हो गया बेटा। अब इसका मतलब क्या है कि 8 से 18 को डिवाइड करो, अब 18 ढूंढो या 18 से बड़ा जहां आए वहां पे रुको, ये 18 से बड़ा हो गया, अब इससे एक स्टेप बैक चले जाओ 16, 8 टू जा 16, ठीक है, कितना बचा 2, ऊपर से कुछ उतारने को नहीं है तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ, ये कोशेंट हुआ, ये हमारा डिवाइजर हुआ और ये हमारा डिविडेंट हुआ। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा इसे चेक कैसे करते हैं, ये आपने थर्ड में किए हुए थे डिवाइड तक, तो अब इसे चेक कैसे करते हैं, मेन चीज जो आपने सीखनी है बेटा। एक बात देखो, गेम वे से सीखो, ये जो 98 यानी कि जो हमारा डिवाइजर है, इसे सोच लो कि ये आपकी मैम है, ठीक है, मैम है, और जब आपने डिवाइड किया तो मैम के अलग अलग पार्ट कर दिए, 12, 2, 8, ये आपके बॉडी पार्ट आपने मैम के अलग अलग फेंक दिए, ठीक है। अब आपने इन्हें इकट्ठा करना है और इनसे मैम को ही रेडी करना है दोबारा से। अब देखो बेटा, आप अपने बॉडी में देखो, दोनों तरफ आपकी आर्म्स लगी हुई है ना, तो ये आपकी आर्म्स है, आर्म्स को क्या करोगे, कभी इसको इधर लगा के देखोगे, कभी इसको इधर लगा के देखोगे, यानी कि आर्म्स को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, आर्म्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, यानी कि 12 और 8 को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, 12 मल्टीप्लाई 8 करिए बेटा, मल्टीप्लाई 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो 96। देखो कुछ कुछ मैम पहचान में आने लगी, लेकिन अभी प्रॉपर मैम नहीं है, नहीं है ना बेटा, 12 और 8 को मल्टीप्लाई किया आपने, मैम के ये बॉडी पार्ट्स जोड़े तो आपको कुछ कुछ मैम की पहचान आई कि हाँ ठीक है मैम है यहाँ पे,
ठीक है ना, आप क्या करोगे मैम के फुट को ऐड कर देते हैं। अब मैम की बॉडी बननी स्टार्ट है यहाँ पे, अब आप उसमें फुट को ऐड करके देखो, फुट कहाँ है ये देखो, जो आपका रिमाइंडर है उसे ऐड करोगे, क्योंकि अब बॉडी तो रेडी है, फुट को ऐड करोगे, अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे ऐड करोगे, 6+2 8 और 1 9। देखो क्या ये मैम बनी, यस बनी ना मैम, यहां से देखो, यहां से इसको ऐसे मैच करो, मैम बनी है, यस। यानी कि अब आपने क्या किया, क्यू को डी से मल्टीप्लाई किया, 12 क्या था आपका, क्यू कोशेंट और डिवाइजर दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, जो आपका आंसर आया। फिर आपने क्या किया, उसमें फुट ऐड किए यानी कि रिमाइंडर को ऐड किया, और रिमाइंडर को जैसे ही आपने रिमाइंडर को ऐड किया आपका क्या आ गया बेटा, डिविडेंट आ गया। ये देखो यहां से डिविडेंट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बना, डिविडेंट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर, कहां से आएगा क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर, ठीक है आपका डिविडेंट। ये आपका चेक करने का फॉर्मूला है बेटा, क्यू और डी को दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें आर को प्लस करो, आपका डिविडेंट आ जाएगा। अगर आपका डिविडेंट सेम नहीं आता तो आपने सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है बेटा। जैसे अब देखो हम देखते हैं 725 डिवाइड बाय 10, नेक्स्ट सम है 725 डिवाइड बाय 10। हमने क्या किया, 725 को डिवाइड करो पहले 10 से, ठीक है, 10 बन जाए 10, 10 ठीक है। अब देखो यहां पर एक डिजिट था तो हमने यहां पे सिंगल डिजिट ले लिया था, अब यहां पर टू डिजिट्स हैं तो यहां पर भी हम टू डिजिट्स ही लेंगे, ठीक है बेटा। 10 की टेबल में 72 ढूंढो, या जहां 72 से बड़ा आता है वहां पर रुको, यहां पे बड़ा हो गया, अब वन स्टेप बैक हो जाओ, 10 7 जा 70, ठीक है बेटा, माइनस करो 2, ऊपर से क्या लिया आपने 5 25। अब 10 से 25 को डिवाइड करो, 25 से बड़ा हो गया 30, फिर वन स्टेप बैक गए, 10 2 जा 20, कितना बचा 5, ठीक है। अब ऊपर से उतारने को कुछ भी नहीं है, तो ये रिमाइंडर, ये कोशेंट, ये आपका डिवाइजर और ये आपका डिविडेंट, क्लियर है बेटा। अब मैम ने क्या बताया था, क्यू मल्टीप्लाई डी, क्यू कितना है आपका 72, मल्टीप्लाई डी कितना है आपका 10, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, 0 2 जा 0 0 7 जा 0, मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 1 7 जा 7, 0 2 7, मल्टीप्लाई किया बेटा किस किस को, क्यू को डी से मल्टीप्लाई किया और आपका ये आंसर आया, ठीक है ना, ये आया। अब कुछ कुछ मैम बने, अब क्या करना है इसमें, रिमाइंडर यानी कि फुट को प्लस कर दो, जो आपका फुट है 5 है 725, और यहां से देखोगे बेटा ये देखो आपका एज इट इज मैम बन गए। आप इस टेबल को बेशक साइड में लिख लिया करो बेटा, ये आपने रिमाइंडर को प्लस किया था तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर डिविडेंट आ गया, देखो सेम डिविडेंट आ रहा है बेटा आपका, ठीक है। तो आपने इस तरह से बेटा वर्कशीट 1 ऊपर लिखना है, वर्कशीट 1 पेज नंबर 41 फर्स्ट सम डिवाइड एंड चेक योर आंसर्स और ए पार्ट, ये स्टेटमेंट लिखोगे, फिर इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड के साइड में गैप छोड़ के चेक करोगे, जैसे मैम ने देखो गैप छोड़ छोड़ के चेक किया ना, इस टेबल को अगर ये बीच में आती है टेबल तो आप इधर साइड में बना लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।